हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एडवांस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंडाल। आज का हमारा लेक्चर के अंदर हम माइनर और कोफैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हमारा सिक्स्थ लेक्चर है। माइनर क्या होता है? लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। इसलिए यदि हम ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ऐसा सिंबल है, देन डिटरमिनेंट जो ऑब्टेंड बाय डिलीटिंग द रो एंड कॉलम, हम जो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं कुछ रो और कुछ कॉलम को छोड़कर, इन विच द एलिमेंट लाइज, उसके अंदर जो एलिमेंट लाई करता है, इज कॉल्ड माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट का माइनर कहलाता है। डेफिनेशन ज्यादा क्लियर तब होगी जब हम इसका एक एग्जांपल करेंगे कि माइनर क्या होता है। देखिए, उसके बाद कोफैक्टर क्या होता है? जिस एलिमेंट की जो पोजीशन है, पोजीशन का मतलब जैसे कि हमें ए आई जे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, तो यानी कि माइनस वन की पावर आई प्लस में जे इंटू को फैक्टर ऑफ, यानी कि माइनर माइनर ऑफ ए आई जे लिखेंगे, तो दैट इज कॉल्ड हमारा को फैक्टर। क्या होता है हमारा को फैक्टर? ये भी हम एग्जांपल की मदद से ही क्लियर कर पाएंगे। थ्री क्रॉस थ्री का एग्जाम्पल लेते हैं, 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। ये हमें कोई ए मैट्रिक्स गिवन है, हमें क्या निकालना है इसमें? माइनर एंड कोफैक्टर निकालने हैं प्रत्येक एलिमेंट के, और इसका डिटरमिनेंट भी निकालना है। डिटरमिनेंट तो सिंपल ही है, कैसे निकलेगा? 1 इंटू इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, यानी कि 5 -1 1 2। फिर आता है 0 0 के सामने क्या है? 1 4 0 2। फिर प्लस 4 4 के सामने क्या आता है? 3 5 0 1। यानी कि इसकी रिस्की प्रोडक्ट 10 + 1, ये क्या है? 0। सारा का सारा क्या हो जाएगा? 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0। 4 × 3 × 1 = 3। 0 × 5 = 0। 11 + 12, डिटरमिनेंट कितना है हमारा? 23। कितना आया? 23। अब देखिए, माइनर्स, हम इसके माइनर निकालेंगे, कैसे निकलेगा? माइनर डिनोटेड बाय एम, एम वन वन। वन वन का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर जो एलिमेंट है इसका माइनर निकालना वन का, तो 1 के सामने जो भी एलिमेंट है उसे छोड़ देंगे, उसका जो डिटरमिनेंट निकलता है यानी कि 5 - 1 1 2। तो इस का क्या आ गया? पहले एलिमेंट का ये माइनर, इसे निकालो, 10 - - ये क्या जगह 1, कितना हुआ? 11। फिर M12 का मतलब क्या होता है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट, वो कितना है? 0। 0 के सामने जो कुछ भी है उसे छोड़ दो, बाकी का डिटरमिनेंट लिख देंगे, इसे छोड़ देते हैं 3 0 - 1 2, तो ये क्या आएगा? 6। A13 यानी कि 4 का माइनर निकालिए, 4 का माइनर निकालें, 4 के सामने जो कुछ है उसे छोड़ देंगे, बाकी का डिटरमिनेंट हमने निकालना है, तो ये कितना आया? 3।
अब देखिए एम टू वन, हमने प्रत्येक एलिमेंट का माइनर निकालना है और कोफैक्टर भी निकालना है। पहले हम माइनर समझ रहे हैं क्या होता है। एम टू वन, एम टू वन पर एलिमेंट है थ्री, थ्री का माइनर निकालना, तो थ्री के सामने जो रो है जो कॉलम उसे छोड़ देंगे, बाकी का डिटरमिनेंट इसकी रिस्की प्रोडक्ट जीरो माइनस है इसकी रिस्की माइनस का क्या आएगा फोर। फिर है एम टू टू, एम टू टू पर एलिमेंट फाइव, फाइव का माइनर निकालना, तो इसके सामने जो कुछ भी उसे छोड़ेंगे वन फोर जीरो टू, यानी कि कितना आया टू। एम टू थ्री यानी कि माइनस वन का, इसे छोड़ेंगे इसे छोड़ेंगे वन जीरो जीरो वन, कितना आया वन। अब क्या करना है हमने, एम थ्री वन के माइनर, यानी कि जीरो है थ्री वन पोजीशन पर, तो इसके सामने इसे छोड़ देंगे इसे छोड़ देंगे, इसकी रिस्की क्या है जीरो फोर फाइव माइनस वन, प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का क्या आएगा ट्वेंटी। एम थ्री टू, अब देखिए इसके सामने वन है, वन के सामने इसे छोड़ेंगे वन थ्री फोर और माइनस ए, माइनस एक माइनस ट्वेल्व इक्वल टू माइनस थर्टीन। एम थ्री थ्री, अब देखिए थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो वन जीरो थ्री फाइव मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा फाइव। ये हमने सारे के सारे क्या निकाल दिए माइनर। जिस भी एलिमेंट का हमने माइनर निकालना है उस एलिमेंट के सामने रो और कॉलम दोनों को छोड़ देंगे और बाकी एलिमेंट का हम डिटरमिनेंट निकाल देंगे तो वो उस एलिमेंट का क्या आ जाता है माइनर। ये था हमारा माइनर से रिलेटेड क्वेश्चन। अब बात आती है कोफैक्टर की। को फैक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोफैक्टर, कोफैक्टर माइनर से ही बनता है। जैसे कि कोफैक्टर इज डिनोटेड बाई ए वन वन, आगे क्या बताया गया था डेफिनेशन में, वहां पर माइनस वन के पावर में आई प्लस जे लिखेंगे। आई प्लस जे कहने का मतलब ये कितना है ए वन वन, यानी कि इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो ए वन वन का मतलब माइनस वन की पावर वन प्लस वन हो जाएगा और साथ में ये माइनर आएगा यानी कि यहां पर आएगा इलेवन, तो माइनस वन की पावर टू, माइनस वन की पावर टू इंटू इलेवन। सभी को पता है यदि माइनस वन की पावर एक इवन संख्या बनती है तो वो नंबर प्लस का बन जाता है, इसीलिए कितना आएगा इलेवन, ये इलेवन आया। ए वन टू भी निकाल के दिखाते हैं, माइनस वन की पावर थ्री इंटू माइनर ए एम वन टू आएगा वो कितना है हमारा सिक्स, तो माइनस वन की पावर थ्री माइनस वन होता है, माइनस वन की सिक्स के साथ मल्टीप्लाई माइनस वन। हमने क्या करना है माइनर के साथ में, जहां पर माइनस वन की पावर माइनर वाले सम यदि सम संख्या बनाए तो माइनर एज इट इज आएगा, यदि ऑड नंबर आए तो उसका माइनस लगा करके लिख देना। अब हम ये तो हमारे माइनर थे, अब कोफैक्टर डायरेक्ट निकालने सीखेंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर मैंने सिर्फ माइनर को ही डिस्कस किया, अब हम कोफैक्टर का एक क्वेश्चन लेते हैं। सेम यही क्वेश्चन देखते हैं, वन थ्री जीरो जीरो फाइव वन फोर माइनस वन टू, यही एक मैट्रिक्स है ए, हमने इसके क्या निकालने हैं कोफैक्टर।
माइनर अलग तरीके से निकलते हैं, कोफैक्टर अलग तरीके से। A11 का मतलब हमने कोफैक्टर निकालना है इस पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसका। तो पहला कार्य हमारा -1 की पावर 1 + 1 कितना हुआ 2। अब इसके सामने जो रो और कॉलम है सेम छोड़ दें, रो को छोड़ दिया कॉलम को छोड़ दिया, क्या रहा ये 5 -1 1 और 2। हम सभी जानते हैं -1 की पावर यदि इवन संख्या होती है तो नंबर प्लस का बन जाता है, तो ये हो गया 1। तो हमारे पास क्या रहा 5 -1 1 और 2, यानी कि 10 और ये क्या प्लस का 1, कितना आया हमारा 11। अब A12 -1 की पावर 3। अब देखिए सेक A13 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट 0 यहाँ गए, इसके सामने जो रो से छोड़ देंगे जो कॉलम उसे भी छोड़ देंगे, 3 -1 0 और 2 ये आया। तो -1 की पावर 3 माइनस आगे लगेगा इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी ये क्या होगा 6। वो तो 0 है उसे लिखने की जरूरत नहीं, अब बार बार हम ये नहीं लिखेंगे 1 3। अब 1 + 3 कितना आता है 4, तो ये देखिए 4 हो गया तो माइनस लगेगी क्या नहीं लगेगी, -1 की 4 + यानी कि नहीं लगेगी। इवन यहाँ पर नंबर नंबर का सम यदि ओड नंबर बनता है तो माइनस लगा देना आगे, और यदि सम संख्या बनती है तो माइनस मत लगाना। अब A13 तो इसका कितना बनाया सम संख्या, नहीं माइनस लगेगी, सीधा डिटरमिनेंट लिखेंगे। अब 1 3 ये है, इसे छोड़ देंगे तो 3 5 0 1 तो क्या आया 3। अब A21 क्या है सम कितना है ओड नंबर माइनस लगा देंगे। अब 2 1 ये पोजीशन है, इसके सामने जो रो है छोड़ देंगे जो कॉलम उसे छोड़ देंगे 0 4 1 2 माइनस आगे था ही, ये 0 - 4 तो क्या आएगा हमारा 4। A22 माइनस लगेगा इसकी, इसका सम कितना है एक सम नंबर नहीं लगेगा, तो यानी कि इसके सामने जो भी इसे छोड़ देंगे 1 4 0 2 यानी कि कितना आएगा 2। A23 क्या माइनस लगेगा, लगेगा, लगा दिया माइनस। अब उस एलिमेंट के पास जाएंगे जहां पर 2 और 3 की पोजीशन है, सेकंड रो थर्ड में कितना यहाँ पर -1, इस रो को छोड़ेंगे इस कॉलम को भी हम छोड़ देंगे तो क्या आएगा 1 0 0 1, तो यानी कि माइनस तो बाहर है इसकी प्रोडक्ट करेंगे 1 तो माइनस का 1। A31 माइनस लगेगा, नहीं लगेगा, तो 3 1 इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे, यानी कि 0 4 5 -1 तो यानी कि माइनस का कितना आएगा ये 20। A32 माइनस लगेगी इसमें, लगेगी, क्योंकि इसका संख्या का सम इवन नंबर है ऑड नंबर, ऑड नंबर, तो यानी कि 32 यानी कि इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे 1 4 3 -1 तो यानी कि -(-1 - 12) यानी कि -(-13) यानी कि +13। A33 यानी कि इसका सम कितना आया एक सम संख्या है इसलिए माइनस नहीं लगेगी, तो यहाँ पर जाएंगे इस रो को छोड़ेंगे इस कॉलम को भी छोड़ देंगे तो 1 0 3 5 तो ये कितना आएगा 5। ये सभी के सभी एलिमेंट का हमने क्या निकाल दिया कोफैक्टर। कोफैक्टर ऐसे निकालते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर निकालना है क्या है कोफैक्टर, क्योंकि हम कोफैक्टर को ही यूज करेंगे, क्योंकि आगे चलकर हम कोफैक्टर निकालेंगे प्रत्येक एलिमेंट का और उसे मैट्रिक्स के अंदर रखेंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे और उसका नया नाम दे देंगे फिर एडजॉइंट ए।
आगे चलकर आएगा एडजॉइंट ए क्या होता है, तो यानी कि को फैक्टर को हम एक मैट्रिक्स के अंदर रखेंगे और उसका ट्रांसपोज करके जो हमारा आंसर आता है वो क्या होता है, एडजॉइंट ए, जो हम फिफ्थ चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।